गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नेम होगा नेम रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखना है हमें अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे बेसिक रिएक्शन है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो और एक बात, एक वीडियो में हम एक नेम रिएक्शन कम्प्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटी भी हो सकती है, थोड़ा बड़ी भी हो सकती है। एक वीडियो में एक नेम रिएक्शन कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, हमें लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं। तो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, हम इसमें कुछ कंडीशन जान लेंगे, ये किस कंडीशन में होती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन हो, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन ये मस्ट है। कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, उसमें हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और तीसरी क्या कंडीशन, ये रिएक्शन एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन दोनों में होती है। तीसरा, जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके लिखेगा, एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन है अगर उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। डू नॉट अकर अल्डोल रिएक्शन या फिर अल्डोल कंडेंसेशन कही है। हाँ, अब देख कुछ एग्जांपल लिखा है, उसको हम देख लेते हैं कि अल्डोल रिएक्शन कैसे होती है। ये रिएक्शन लिखा है, अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, दोनों एकदम सेम है। अब ये एसिडिक ये बेसिक कंडीशन और या एसिडिक कंडीशन में दोनों में भी हो, प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा। ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कहाँ गया, इधर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यह है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब कीटोन वाला भी देखते हैं, पहले एल्डिहाइड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये सी डबल बॉन्ड हो और ये H और ये वाला हमारा एक बॉन्ड इस तरह से हम दिखाएं और इधर CH2 और एक बॉन्ड हम इस तरह से, और हम करा रहे हैं अगर इसे बेसिक कंडीशन में OH माइनस में। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये बेस है, यहाँ से H प्लस निकालेगा, ये इस तरह से निकलेगा और इस पर आएगा माइनस चार्ज और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस पे H और इधर CH2 माइनस, ये हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस H निकल गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये माइनस इधर अपना बॉन्ड दे देगा और ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाए। ये इस तरह से रेजोनेंस भी दिखा सकता है, इधर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना लें, ये रेजोनेंस का सिंबल। ये हो जाएगा हमारा CH2 और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा C, इससे लगा हुआ O, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड बचेगा और इस पर आ जाएगा अब माइनस चार्ज। इसके पास इसके साथ अब दो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से दिखा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन फिर माइनस चार्ज। मैं माइनस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि दो इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अब एक H यहाँ पर हो सकता है। ये तो हो गया हमारा एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अभी इसको लेके किया और ये बेसिक कंडीशन में हो गया। अब हम दूसरे वाले को ले दें, दूसरा वाला आया अगर हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर CH3 लिखते थे, ठीक। और अब हम जो हमारा ये वाला बना है, इसे हम कहते हैं ये वाला एनोलेट आयन। अब चाहे आप इससे रिएक्शन करा दिए, चाहे इसे करा दीजिए, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं अभी इससे कराता हूँ, फिर आगे आने वाले एग्जांपल में मैं इससे कराऊँगा, फिलहाल इससे भी मैं करा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं प्लस क्या कर रहा हूँ, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच और इधर CH2 पे माइनस चार्ज है और इधर बीच में ये पॉजिटिव है।
अब ये क्या करेगा, ये वाला माइनस जो है, वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पर, और ये वाला बांड इस साइड ब्रेक हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, पहले ये सी डबल बांड हो, ये सी डबल बांड हो, और इसके साथ एक एच, और इससे लगा हुआ ये सी एच टू। अब इसने बांड बनाया इस कार्बन से, यानी कि ये बांड बना लिया इस कार्बन से, और इस कार्बन से लगा हुआ एक बांड से ऑक्सीजन, और उस पर आएगा माइनस चार्ज। ये बांड ऑक्सीजन और उस पर आएगा माइनस चार्ज, और क्या है, और इस कार्बन से अटैच है एक सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री और इधर एच, अगर इधर एच कर दें और इधर सी एच थ्री, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ तक होगी रिएक्शन हमारी। अब जो यहाँ से एच प्लस निकला था, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसी एच प्लस से इसको रिएक्शन करा देंगे। इसको एच प्लस से जब रिएक्शन करा देंगे तो हो जाएगा हमारा ये सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच, इधर सी एच टू, और ये सी, इधर एच, ये सी एच थ्री, और ये हो जाएगा ओ, और इस पर है माइनस चार्ज, और ये माइनस और प्लस यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा ओ एच। तो देखिए, इस कार्बन के लिए ये अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारा बना कि नहीं, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट, इसे अल्डोल प्रोडक्ट कहिए, अल्डोल प्रोडक्ट लिख लेंगे आप। ये प्रोडक्ट और ये दोनों सेम है, बस इसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो उस साइड था, इसमें इस साइड, बस सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर हुआ सी एच टू, सी एच टू सी ओ एच, इधर यह सी एच थ्री, दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस ये इधर उधर है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड जब था। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं इसमें इसी में ही कीटोन का कराता हूँ, हो गया। चलिए देखते हैं अब इसी में हम कीटोन का, जैसे कि एल्डिहाइड था, हम यहाँ पर अगर सी ऐड कर दें यहाँ पर सी एच थ्री, तो अब ये हो जाएगा कीटोन, यहाँ पर कर दें सी एच थ्री, तो ये हो गया कीटोन, कीटोन का हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दो जगह पे एच था, यहाँ पर एक जगह एच यहाँ था, एक एच यहाँ था, अब ये दोनों एच भी हो जाएंगे सी एच थ्री। ये होगा हमारा कीटोन का एग्जाम्पल। वैसे ही मैकेनिज्म में भी हम कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन था यहाँ पर सी एच थ्री, यह हाइड्रोजन था यहाँ पर सी एच थ्री, यह हाइड्रोजन था यहाँ पर सी एच थ्री, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन वहाँ पर आप सी एच थ्री कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर था सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था ये सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, और यहाँ पर सी एच थ्री। ये हो गया आपका कीटोन का एग्जांपल। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, जैसे ही एकदम सेम स्टेप होगा, बस इसमें देखिए ये कार्बोनिल से, इसमें पहले जो था इसमें एक अल्फ़ा कार्बन था, इस अल्फ़ा कार्बन से एक ही अल्फ़ा, एक ही साइड से अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता था। अब इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, कहीं से भी निकालिए, सब सेम है, कहीं से भी निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का। अब हम देखते हैं कुछ एसिड कंडीशन में, कुछ बेसिक कंडीशन में, जो तो हमारी एकदम बेसिक रिएक्शन हो गई ना, जैसे हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिक कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होती है, एसिडिक कंडीशन में कौन सी होती है, फिर उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन कैसे होता है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, और उसके बाद देखेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। दोनों में रिएक्शन सेम होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस, फिर वही चीज़ है आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये है बेसिक बेस कंडीशन में। फिर इसके बाद ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट जो भी बनेगा, और यही रिएक्शन हमारी यहाँ पर सेम होगी। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस यहाँ पर ये बेस है तो इसको यहाँ पर एच प्लस कर लेंगे जब आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले बेस का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहला हमारा पास होता है एडिशन फेस। एडिशन फेस में सबसे पहले हम देखते हैं इसे आर, अभी जो हमने मैकेनिज्म किया है एकदम सेम वैसा ही है, अगर आपको वो समझ में आया है तो ये वाला और इजी है लगेगा आपको, जब अगर आपको वो समझ में आ गया है। तो यह लेते हैं सबसे पहले हम, फिर हम इसको कराते हैं बेस की प्रेजेंस में। ये बेस क्या करता है, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे लगा हुआ ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और ये लगा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फ़ा हाइड्रोजन,
अब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, अब इस पर आएगा माइनस चार्ज और ये एच प्लस यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से आप माइनस बी एच कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा आर सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ इधर आर डैश। अब ये क्या करता है, ये माइनस अपना यहाँ पर देकर और ये अपना इधर दे दे, ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की साइड ब्रेक हो जाए, ये होता है रेजोनेंस। सेम वैसा ही चल रहा है जैसा अभी बताया गया है, आर सी एच और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद सी, इसके बाद सी, फिर इससे लगा हुआ एक बॉन्ड से ऑक्सीजन और उस पर माइनस चार्ज और उससे लगा हुआ एक बॉन्ड से इधर ये आर डैश, इसे हम कहते हैं एनोलेट आयन। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे, एनोलेट आयन। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरे में क्या होगा, अब हम इस मालिक्यूल को इसका हो गया, अब दूसरा वाला लेते हैं हम आर सी एच टू, आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस। अब हम प्लस क्या करेंगे, ये जो हमारा एनोलेट आयन बना है इसको अब हम लेंगे आर सी एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ इस पर है माइनस और इधर आर डैश। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, ये माइनस वाला जो है वो अपना बॉन्ड इस साइड देगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो आकर यहाँ पर अटैक करेगा इस तरह से। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना तो आप इसको लेकर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पहले वाले मैकेनिज्म में दिखाया था, सीधे ही इस माइनस से यहाँ पर अटैक कर दें। इस माइनस से अटैक करने का मतलब इस वाले कार्बन पर बाउंड बनेगा, ये बाउंड कुछ इस साइड से ब्रेक होगा, इस कार्बन से नहीं, इसका इस साइड से ब्रेक होकर यहाँ पर लगेगा। देखिए क्या क्या होगा, मैं एरो थोड़ा छोटा बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास उधर जगह कम है। तो देखिए यहाँ पर यह सेम रहेगा आर सी एच टू, यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ, चलिए आर सी एच टू लिखते हैं, ये आर ये सी एच टू, फिर इससे लगा हुआ एक सिंगल बॉन्ड ये सी और ये वाला जब इस पर अटैक करेगा तो ये और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा और इससे लगा हुआ एक बॉन्ड से ऑक्सीजन इस पर आ गया माइनस चार्ज और इससे लगा हुआ ये आर डैश, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब ये बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, एक बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन से, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड बनाया इस कार्बन से ना, अभी इस कार्बन से बनाया तो अब इस कार्बन को हमने यहाँ पे लिखा, इसके साथ है एक एच और एक एच आर, एक एच हम यहाँ पे लिख देते हैं और एक आर यहाँ पर, और इसके साथ क्या है, ये वाला बॉन्ड तो इससे बॉन्डिंग में हो गया, अब ये वाला बॉन्ड इससे बॉन्डिंग में है ये वाला कार्बन, अब इससे ये वाला आर और इससे इधर उसके ऊपर क्या है इधर डबल बॉन्ड ओ। एक बार फिर से देख लीजिए, ये बॉन्ड इस साइड मूव हुआ, ये इस पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इस साइड गया इधर आर सी एच टू सी, आर सी एच टू सी, अब इस सी से सी तक आए थे, सी से लगा हुआ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस और इससे लगा हुआ ये आर डैश मैंने नीचे लिख दिया और ये वाला बॉन्ड अब देखिए बॉन्डिंग कर रहा है इस वाले कार्बन से, एक बॉन्ड हमने इस बनाया इस कार्बन से, ये वाला जो था अब बॉन्ड बनाया इस कार्बन से और इस और ये कार्बन किससे अटैच था, एक एच और एक आर से, तो एक एच एक आर मैंने यहाँ भी दिखा दिया और उसके बाद क्या अटैच था, एक सिंगल, अब ये वाला बॉन्ड तो चला गया उधर उससे बॉन्डिंग में, अब ये वाला कार्बन इस बॉन्ड से इस कार्बन से और इधर ओ आर और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। हाँ अब इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको एच प्लस से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर एच आके लग जाएगा, आप वो अगला स्टेप दिखा लेंगे, यहाँ पर एच प्लस से कर लेंगे, एच प्लस से यहाँ पर लिख लेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन तो एच आकर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, ये अगले स्टेप में होगा, ये अगले स्टेप में ये वाला लिख लेंगे आप। ये हो गया हमारा एडिशन फेज, इतना तो हमने अल्डोल प्रोडक्ट, ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिक कीटोन बन गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होगा हमारे पास दूसरा, ये पहला था एडिशन फेज, दूसरा अब हमारे पास क्या आएगा, डिहाइड्रेशन फेज।
डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इसमें से हमें H2O को निकालना है। कैसे निकालना है अब वो देखते हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, इधर ये R CH2C, इधर OH, नीचे की साइड R, इधर CHR C डबल बॉन्ड O R। चलिए ये H ऊपर की साइड, मैं ऊपर ही दिखाता हूँ। अब इसको कराना है हमें बेस से। बेस के पास कराएंगे क्या कदम, बेस क्या करता है, हमें बेस हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो देखिए इस कार्बन से लगाओ, ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना, हम इस तरह दिखाएं। ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन, ए वाला बॉन्ड अपना इस साइड से यहाँ दे और ये वाला बॉन्ड इस साइड से इस तरह से निकल जाए। तो यहाँ से H निकल रहा है, इधर से OH निकल रहा है, तो यहाँ से माइनस H2O का रिमूवल हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो हम अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C। अब इस C से लगा हुआ ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आया, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। और इसी कार्बन से लगा नीचे लगा हुआ एक R था ना, ये R हम पहले दिखा देते हैं। फिर अब देखिए इस कार्बन से इसके नीचे भी लगा हुआ एक R है, ये हो गया। फिर इससे लगा हुआ एक कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ आर, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर। बस यही है, ये डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। एक बार मैं देख लूँ, अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अनसेचुरेटेड कीटोन। अभी हम इस मैकेनिज्म आगे करेंगे, एक बार और करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें मैकेनिज्म भी सेम होगी, बस यहाँ पर ये बेस था, यहाँ पर एसिड में होगी। चलिए इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म। इसमें रिएक्शन ये सेम होगी, यहाँ पर हम H प्लस लिख लेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे एडिशन फेस, ये मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि वही चीज़ें सारी रिपीट होंगी। R सी एच, इधर H C डबल बॉन्ड O, इधर R डैश। इसको हमें कराना है H प्लस में, H प्लस के प्रेजेंस में। जैसे कि हमारे पास बेस होता था तो वहाँ से हम अल्फ़ा हाइड्रोजन इजीली निकाल लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक में कैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो निकलना तय है, अब वो एसिडिक में कैसे निकलेगा वो देखना है। देखिए अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास होता है लोन पेयर, तो अब ये अपने लोन पेयर से H प्लस को अपने पास बुला लेगा, क्या हो जाएगा अपने आपके पास, तब फिर R ये हो जाएगा CH और इधर H, फिर इससे लगा हुआ ये C डबल बॉन्ड O, इससे लगा हुआ ये H आया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर है एक R डैश। तो अब क्या होगा, तो अब ये वाला बॉन्ड कुछ इस साइड से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन पे आने लगेगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये वाला कार्बन जो, ये वाला हाइड्रोजन जो, वो अपना बॉन्ड यहाँ पर देके ये H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। फिर अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी, इधर आ जाएगा ओ एच आर डैश। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या बना था, एनोलेट आयन, लेकिन यहाँ पर क्या बना हमारे पास, एनॉल, एनॉल बन गया। ये हो गया हमारा नंबर वन। अब नंबर टू में क्या करेंगे हम,
नंबर टू में हम इसका दूसरा वाला ये लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, इसका जो दूसरा वाला कंपाउंड था आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस, अब ये हमारा जो एनॉल बना है इसको लेंगे आर सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच आर डैश। अब कैसे होगी रिएक्शन इसमें, अब ये वाला बॉन्ड अपना इस साइड इधर ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड पाई वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा वो देखना हमें, इधर आर सी एच टू सी वो लिख लेते हैं पहले आर सी एच टू सी यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद एक बाउंड से ऑक्सीजन उस पर माइनस, एक बाउंड से ऑक्सीजन उस पर माइनस, और इधर लगा हुआ एक आर डैश, इसको हम नीचे दिखाते हैं आर डैश, और ये बाउंड कर बॉन्डिंग करेगा अब इस कार्बन से, ये बाउंड बनाएगा इस कार्बन से, इस कार्बन के पास एक एच और एक आर, एक एच और एक आर, और एक बॉन्ड तो इधर इस बॉन्डिंग में चला गया और दूसरा वाला बॉन्ड इस कार्बन से, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से, अब इस कार्बन से हमारे पास ऊपर डबल बॉन्ड ओ इधर आर, इधर डबल बॉन्ड ओ इधर आर डैश, यह हो जाएगा हमारे पास अल्डोल प्रोडक्ट। नहीं अभी नहीं, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको एच प्लस से रिएक्शन करा दोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको जब एच प्लस से करा दोगे तो एच प्लस जो है यहाँ से निकल कर आकर एच प्लस यहाँ पर लग जाएगा, मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एच प्लस से, फिर उसके बाद इसको बनाकर आगे कर लेंगे आप, ये हो जाएगा हमारे पास अल्डोल प्रोडक्ट। अब देखिए ये अल्डोल प्रोडक्ट, ये अल्डोल प्रोडक्ट दोनों सेम है यानी आर सी एच टू सी ओ एच आर डैश, आर सी एच टू सी ओ एच आर डैश, सी ऊपर एच नीचे आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या डैश, ये अल्डोल प्रोडक्ट वो अल्डोल प्रोडक्ट दोनों सेम है, ये अल्डोल प्रोडक्ट मैं कह रहा था दोनों सेम है, बस अब इसमें जब डिहाइड्रेशन करेंगे वही हमारे पास डिफरेंट आएगा। नंबर दो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल करना है हमें, और हाँ इसमें एक चीज़ और, यहाँ से जो ये वाटर का रिमूव होता है ये होता है ईवन सी बी मैकेनिज्म के थ्रू, ईवन सी बी मैकेनिज्म, इसमें ये नोट कर लेंगे, जब हम ईवन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ईवन सी बी क्या होता है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि बेस्ट कैटालाइज में जब हमारा H2O रिमूव, H2O हमारा डिहाइड्रेशन करते हैं, H2O को रिमूवल करते हैं तो वो ईवन सी बी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और जब इसमें होता है तो वो होता है इसमें जब H2O का रिमूव होगा या फिर हम कहें डिहाइड्रेशन होगा तो वो ईवन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। कैसे होता है अब हमें वही देखना है, ये हो जाएगा आर सी एच टू सी ऊपर एच ओ एच नीचे आर डैश इधर सी इधर एच इधर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब इसके बाद हमें क्या करना है H प्लस की कंडीशन में करना है ना, तो H प्लस देखिए हमें वाटर का रिमूवल करना है तो देखिए OH एच यहाँ पर पहले से है और अगर ये H आकर यहाँ पे लग जाएगा तो ये H2O हो जाएगा, इसको हम अगर यहाँ पे इस तरह से लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा H2O और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए मैं बनाता हूँ और सी एच टू सी ओ एच टू और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज नीचे आर डैश है और इधर आ जाएगा सी ऊपर एच नीचे की साइड है आर और इधर सी डबल बॉन्ड ओ इधर आर डैश। देखिए अब क्या होगा, ये कार्बन से लगा हुआ ये कार्बन ये अल्फा कार्बन था इसको तो निकलना है तो ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड अपना यहाँ पर देकर और ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से माइनस एच टू ओ गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पे लिख लेंगे गुड लिविंग ग्रुप और ये होता है ईवन मैकेनिज्म के थ्रू। क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट आर सी एच टू सी ये वाला सी फिर इसके बाद इसके नीचे आर डैश है ये वाला और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड सी फिर इसके बाद ये आर ये सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला आर डैश।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आप लिख लेंगे यहाँ पर। एक बार मैं चेक कर ले दूँ, आर सी एस टू सी, सही है, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बना ना, और सेम है, यहाँ पर भी आर डैश ही होगा, यहाँ पर भी आर डैश हो। हाँ तो ये हो गया हमारा बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, ये हो गया हमारा एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, इसमें बनता है एनोलेट आयन और यहाँ पर बनता है एनॉल, ये एक डिफरेंस आया। और एनोलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है एनॉल के कंपैरिजन में। और कुछ, अब देखिए ओवरऑल इसमें इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अब हमें अगर शॉर्ट टर्म में रिएक्शन करनी हो तो ओवरऑल हो क्या रहा है इसमें समझते हैं, इस रिएक्शन में। तो इसमें देखिए आर सी एस टू, आर सी एस टू सी ओ एच, एक जगह से दोनों कंपाउंड में से ये एक पहला कंपाउंड और इसका दूसरा जुगो है, एक जगह से पूरा ऑक्सीजन निकलता है और दूसरे में से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। तो उसके बाद इस कार्बन को उठाकर हम इस पर अटैच कर देते हैं तो यही हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। कैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लूँ पहले। तो अब देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसी एग्जांपल देखते हैं जो हमने पहले कर लिया है, सबसे पहला एग्जांपल एल्डिहाइड का था, उसके बाद वाला कीटोन था, वही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे वो डिहाइड्रोजनेशन तक देखेंगे, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो अब डिहाइड्रोजनेशन तक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का ऑक्सीजन पूरा निकाल देंगे और दूसरे वाले में से जो अल्फ़ा है उसमें से दो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल देंगे, बाकी इन दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ से दो ऑक्सीजन निकला तो इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे, इसको घुमा के यहाँ पर अटैच कर देंगे, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा, इसके बाद इस कार्बन से ये दोनों CH3 ऐसे ही रहेंगे। कैसे, ये देखिए ये सी डबल बॉन्ड हो और ये इधर CH3, ये CH3 इस तरह से, और इधर देखिए एक बॉन्ड से C और इससे लगा हुआ एक H यहाँ पर, और ये दो H निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से -H2 को दोनों डिहाइड्रोजनेशन हम साथ में कर रहे हैं। अब देखिए H2 यहाँ से निकल रहा है और ये ऑक्सीजन निकल रहा है, अब डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा इस कार्बन से, डबल बॉन्ड इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है दो CH3, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता था ना हमारा, वही। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब हम क्वेश्चन कुछ एक आध दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी ट्रिक पर ही। एक में से हम पूरा ऑक्सीजन निकाल देंगे और दूसरे वाले में से अल्फा हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल से लगा हुआ ये कार्बन अल्फा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इसमें सभी कार्बन लगे हुए हैं, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अभी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर CH3 है ना, मैं इसको पहले यहाँ हटाता हूँ, एसिड की कंडीशन में और बेस की कंडीशन में उससे हमें नहीं मतलब है। तो यहाँ पर हमारे पास है CH3, तो CH मैं कर दूँ और इधर कर दूँ CH2, तो यहाँ से 2H, यहाँ से O, यानी कि -H2 का हमें रिमूव करना है। अब इसको हमें उठाकर यहाँ पे अटैच कर देना है, कैसे होगा ये देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला, फिर इससे लगा हुआ इधर ये ग्रुप, ऐसे लगा, इसे ऐसे ही लगा रहने देते हैं, फिर इससे लगा हुआ ये सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर की साइड, फिर इससे लगा हुआ ये CH, अब यहाँ से दो हाइड्रोजन निकला है, अब ये दो हाइड्रोजन से अब हमें जोड़ना है डबल बॉन्ड से, यानी कि अब हम लगा दें यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये अलग कार्बन हो गया, अब इस कार्बन से लगा हुआ एक CH3, इस कार्बन से लगा हुआ एक CH3, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर उस पर लगा हुआ ये ग्रुप,
ये 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 अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, ये हो गया हमारा ये वाला। ये मैंने तो क्वेश्चन ऐसे ही कर दिया है, यहाँ पर भी अल्फा है, मैं यहाँ से इसका देखिए इसका ऑक्सीजन निकाल दूँ और यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो हैं इन दोनों को निकाल दिया जाए, इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाए और फिर इसको घुमा कर यहाँ पर अटैच कर दिया जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये सी डबल, ये अली रिंग और ये डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से घुमा कर इसे आप जोड़ दें तो हमारे पास वही बनेगा, डबल बॉन्ड आकर डबल बॉन्ड, उसके बाद एक फाइव मेंबर रिंग लगी होगी उससे। ठीक, इसका मैकेनिज्म आप लोग लिखना चाहें तो जैसे मैंने बताया है वैसे स्टेप बाय स्टेप, एडिशन फेस, फिर उसके बाद एडिशन फेस में दो स्टेप था हमारा वो हो जाएगा, फिर उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन कर लें, एनॉल एनोलाइट आयन बनाकर आप कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म में अगर हमें देखना हो तो इस तरह से करेंगे। अब हम इसको देखें, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी मिला है कि हमारे पास एक इस तरह से दिया होगा, सिर्फ एक ही दिया होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट में ये दिया होगा। तो अब हमें क्या देखना है कि जब ये अभी हमारे पास यहाँ पर दो था तो हम आराम से इजीली यहाँ से H निकाल कर इससे O निकाल कर हम कर देते थे, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो अभी यहाँ से एक ही रिंग है और यहाँ पर दो दो रिंग इस तरह से जुड़ी हुई है, तो अब ये देखकर हमें इसको अंदाज़ा लगाना है कि ये अल्डो रिएक्शन है कि नहीं। तो अल्डो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अगर ये उस साइड से मिल रहा है तो हम इसको मान लेंगे कि ये दो रिंग इसी तरह से है। तो अब हम एक में से ऑक्सीजन निकाल देंगे, चलिए इसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं और एक में से अल्फ़ा हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन निकालकर अब हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा वो। अभी आप कहेंगे मैं इस तरह से अटैच कर रहा हूँ ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, तो इस तरह से घुमा के अटैच कर देना, ठीक है, इसको इस तरह से अटैच कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ये हो गया हमारे अल्डोल के कुछ एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि क्रॉस अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं क्रॉस अल्डोल, उसके बाद देख लेते हैं रेट्रो अल्डोल, हमारे पास बचेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस अल्डोल, क्रॉस डलडोल या फिर इसे हम कहते हैं मिक्स डलडोल या फिर इसे ही है और कहते हैं क्लाइजन सेमेटिक कंडेंसेशन। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी जब भी हम अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं उसमें दो पार्टनर होते हैं, जैसे कि एक पार्टनर ये और दूसरा पार्टनर ये, तो उसमें जो पहला पार्टनर है उसके पास पहला या दूसरा जो भी होगा उसमें से एक पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। क्रॉस अल्डोल में किसी एक पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और जो उसके पास दूसरा पार्टनर होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और उसमें से जो भी होगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, अब वो बनाएगा एनॉल या फिर एनोलेट आयन, कैसे वो अभी वीडियो में दिखाया जा चुका है। अब देखिए ये हमारे पास पहला पार्टनर है, इसका नाम बेंजल डिहाइड है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो नहीं, नो मतलब नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन तो अल्फा है नहीं, इससे लगा हुआ ये अल्फा कार्बन है और इस पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हम उसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ये इसका दूसरा पार्टनर है, ये के यहाँ पर लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच थ्री है, ये एच है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दोनों तरफ सी एच थ्री है, सी एल प्रेजेंस में है, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच और ये सी एच थ्री, सी एच टू इधर, एच इधर है, ये बेस के प्रेजेंस में हो एसिड के प्रेजेंस में हो हमें उससे नहीं मतलब, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, मैकेनिज्म दोनों की मैं दिखा चुका हूँ। अब देखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें से ऑक्सीजन निकालिए और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन, अब बाकी इसको इससे अटैच कर दीजिए, हो जाएगा वही आपके पास प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास ये रहा ये बेंजल डिहाइड, मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ, फिर इससे लगा हुआ एक बॉन्ड ये कार्बन और इससे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये वाला हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड इस तरह से और ये अटैच्ड होगा अब इस कार्बन से, इस कार्बन से लगेगा इस कार्बन से लगा हुआ एक एच है, ये सी और ये एक एच, फिर इससे लगा हुआ एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर उस सी, इससे लगा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इससे लगा हुआ ये एच, ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट।
ये इससे, अब दूसरे वाले से क्या होगा, इसमें से तो ऑक्सीजन ही निकलना है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ यहाँ पर एच था तो लास्ट में एच आ गया, और इसमें सी एच थ्री था तो इसमें भी सी एच थ्री आ जाएगा। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, अब ये अटैच होगा इस कार्बन से, मैंने ये कार्बन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद एक एच इसके पास, इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आ गया सी एच थ्री, ये हो गया ठीक। अब हम इसमें देखते हैं क्या होगा, इसमें ये बेंजीन रिंग मतलब बेंजल डाइड वाली पहले बना लेते हैं, ये सी और उसके साथ एक एच पहले से है, ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ तक तो आएगा पता है ना। इसमें से ये वाला दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये वाला कार्बन इससे लगा हुआ एक एच है, डबल बॉन्ड कार्बन इसके साथ एक एच है, फिर इसके साथ अटैच्ड है एक कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर है पी एच, ये होगा रेट्रो नहीं क्रॉस अल्डोल, हाँ रेट्रो अल्डोल। रेट्रो अल्डोल में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अल्डोल रिएक्शन जो होती है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैंने इसमें जितनी भी रिएक्शन दिखाई है उसमें इस तरह से एरो दिखाया है, जितने भी रिएक्शन दिखाई है, जितने भी मैकेनिज्म दिखाया है, बस उसमें आपको क्या करना है, बस उसको रिवर्सिबल कर लेना है इस तरह से, जितना एरो है उसको आप इस तरह से कर लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। मैंने शुरू में बताया कि रिवर्सिबल होती है लेकिन मैंने एरो सीधा सीधा दिखा दिया कि जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड में नहीं आ रही है, तो आप जितना भी एरो दिखाया गया उसमें उसको आप रिवर्सिबल कर लेंगे, बस हो जाएगा। रेट्रो एल्डोल में भी यही कहना है। रेट्रो एल्डोल ये क्या है आपके पास, सबसे पहले वीडियो में कराया गया क्वेश्चन उसके बाद वाला जो एल्डिहाइड का था, उसके बाद जो कीटोनों कराया गया था वही हमारे पास प्रोडक्ट है। देखिए ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट। रेट्रो में क्या होगा, जो हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट है इसको अगर हम बेस की प्रेजेंस में डालकर हीट कर देंगे, OH माइनस में अगर इसको हीट करेंगे तो OH माइनस क्या करता है, H प्लस निकालता है, तो H प्लस यहाँ से कहाँ से निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा या फिर उससे भी ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ से निकलेगा ये H इस तरह से, और ये निकल जाएगा यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर आएगा O माइनस, यहाँ पर हो जाएगा सी एच थ्री, सी इधर सी एच थ्री, ऊपर की साइड आएगा O माइनस, इधर आएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इस साइड आएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये सी एच थ्री, पहले ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, और इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ इधर सी एच थ्री इधर सी एच थ्री इधर सी एच थ्री इधर सी एच थ्री, और प्लस आपके पास इधर वाले में क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ इधर सी एच थ्री और इधर आएगा सी एच टू माइनस, ये होगा सी एच टू माइनस, और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, यह है सी एच टू माइनस। अब जो यहाँ से एच प्लस निकला है हमारा, एच प्लस से फिर से इसको रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा सी एच थ्री, यानी कि हो जाएगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये वाला भी सी एच थ्री और प्लस ये वाला तो है ही, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। हमने जब हम एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो हमने स्टार्ट यहीं से किया था, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच थ्री, इसको लेकर हम चले थे, फिर इसको बेसिक एसिडिक कंडीशन में करा कर फिर हम इस प्रोडक्ट तक पहुँचे थे। रेट्रो एल्डोल में क्या होगा, वो रिवर्सिबल उल्टा से पीछे से आएगा, जैसे कि हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट है इसको हम डालकर हीट करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको जब आगे प्रोसेस आगे करते जाएंगे तो ये हमारे पास पूरा रिवर्स होकर जो हमारे पास कीटोन था हमें वापस मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है,
कि जितने भी रिएक्शन में मैं बताया हूँ, मैकेनिज्म बताया हूँ, उसमें ये वाला एरो हटा करके, ये वाला एरो हटा करके वो हर जगह पर रिवर्सिबल कर लेना है। ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जो कि मुझे रेट्रो में दिख गया, मैंने बता दिया, आप कर लेंगे। रेट्रो अल्डोल में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। बस आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।